नमस्कार दोस्तों, खेती के लिए ड्रोन खरीदने पर सरकार से मिलेगी 100% जो है सब्सिडी। अब किसान खेती ड्रोन से कर सकेंगे, तो देखेंगे कैसे कर सकते हैं जो किसान है वो ड्रोन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हो। कभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको रेगुलर वीडियो जो हम डालते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रोन से खेती, जाने क्या है सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ। खेती में कृषि यंत्रों की महती भूमिका को देखते हुए सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस यंत्रों की सूची में अब एक और जो है यंत्र ड्रोन का नाम भी जुड़ गया है। किसान संगठन सहित कृषि से जुड़ी संस्थाएं को खेती के लिए ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। बता दें कि किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को राज्य के नियमों के अनुसार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसी कड़ी में अब ड्रोन की खरीद पर भी सरकार की ओर से 100% सब्सिडी जो अधिकतम 10 लाख रुपये दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ड्रोन फार्मिंग खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि के विद्यार्थी आगे आए हैं। पिछले दिनों आयोजित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था IRI के 60वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि की तेजी से प्रगति के लिए नई टेक्नोलॉजी व संसाधन अपनाने पर जोर देते हुए ड्रोन के माध्यम से खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि के छात्र छात्राओं से जो है आगे आने का आह्वान किया है। पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में आयोजित गरिमामय दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री तोमर ने उन्नत किस्मों व प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए IRI द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। तोमर ने किसानों के लाभ और विभिन्न हितधारकों के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया था तथा बताया सरकार ने ड्रोन प्रशिक्षण देने के लिए 100% सहायता अनुदान देने का निर्णय लिया है। कृषि के विद्यार्थी इसमें बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। कृषि के छात्र छात्राओं के लिए सब्सिडी का प्रावधान भी है। इस मौके पर प्रोफेसर RV सिंह, पूर्व निदेशक IRI को DSC मानद जो उपाधि से सम्मानित किया है। संस्था के पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल से 284 छात्रों को डिग्री मिली, जिनमें 8 विदेशी छात्र शामिल हैं। मुख्य अतिथि ने फल सब्जियों की 6 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ड्रोन खरीदने के लिए किन्हें मिलेगा जो है 100% सब्सिडी का लाभ। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र के हितधारकों के लिए ड्रोन तकनीक को किफ़ायती बनाने के निर्देश जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने देश में ड्रोन को उपयोग बढ़ाने के लिए कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन SMS के जो दिशा निर्देश में संशोधन किया गया है। इसमें अलग अलग कृषि संसाधनों जो है संस्थाओं, उद्यमियों, कृषक उत्पादक संगठन FPO एवं किसानों के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इनके जो अनुसार किसी कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थाओं, ICR संस्थाओं, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ड्रोन की खरीद पर कृषि ड्रोन की लागत का 100% तक या 10 लाख रुपये जो भी कम हो का अनुदान दिया जाएगा। इसके तहत किसानों के खेतों में बड़े स्तर पर इस तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। अन्य लाभार्थियों को ड्रोन खरीदने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी। कृषक उत्पादक संगठन FPO किसानों के खेतों पर इसके प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन की लागत जो 75% तक अनुदान पाने के लिए पात्र होंगे। मौजूदा कस्टम हायरिंग सेंटर्स द्वारा ड्रोन और उससे जुड़े सामानों की खरीद पर 40% मूल लागत या 4 लाख रुपये जो भी कम हो वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कर रहे कृषि स्नातक ड्रोन और उससे जुड़े सामानों की मूल लागत 50% हासिल करने या ड्रोन खरीद के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान समर्थन लेने में पात्र होंगे। ग्रामीण उद्यमियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या उसके समान परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। उनके पास नगर निगम, विमानन महानिदेशालय, DGCA द्वारा निर्देश संस्था या किसी अधिकृत दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संस्था के
से दूरस्थ पायलट लाइसेंस होना चाहिए। ये कस्टम हायरिंग केंद्र ले सकेंगे सब्सिडी पर ड्रोन। जैसा कि कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना किसान सहकारी समितियों, FPO और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा की जाती है, वहीं SMAM RKBI या अन्य योजनाओं से वित्तीय सहायता के साथ किसान सहकारी समितियों, FPO और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले नए CSC या हाईटेक हब्स की परियोजना में ड्रोन को भी अन्य कृषि मशीनों के साथ एक मशीन के रूप में शामिल किया जा सकता है। ड्रोन के प्रदर्शन के लिए मिलेगी वित्तीय सहायता। ड्रोन तकनीक प्रदर्शन करने वाले कार्यान्वयन एजेंसियों को 6,000 रुपये प्रति हेक्टर आकस्मिक व्यय उपलब्ध कराया जाएगा। जो ड्रोन खरीदने की इच्छुक नहीं है लेकिन कस्टम हायरिंग सेंटर से हाईटेक हब्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स और स्टार्टअप्स से किराए पर लेना चाहते हैं, उन कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए आकस्मिक जो व्यय 3,000 रुपये प्रति हेक्टर तक सीमित रहेगा। वित्तीय सहायता और अनुदान 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध होगा। कृषि में ड्रोन के उपयोग के लिए इन नियमों का जो करना होगा पालन। नगर निगम जो नगर विमानन मंत्रालय MOCA और नगर विमानन महानिदेशक DGCA द्वारा सशर्त छूट सीमा के माध्यम से ड्रोन परिचालन की अनुमति दी जा रही है। MOCA ने भारत में ड्रोन के उपयोग से और संचालन को विनियमित करने के लिए 25 अगस्त 2021 को GSR संख्या 589E के माध्यम से ड्रोन नियम 2021 प्रकाशित किए थे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि वन और गैर फसल क्षेत्रों आदि में फसल संरक्षण के लिए उर्वरकों के साथ जो है ड्रोन के उपयोग और मिट्टी तथा फसलों पर पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए मानव संचालन प्रक्रिया जो SOP भी लाई गई है। प्रदर्शन करने वाले संस्थाओं और ड्रोन के उपयोग के माध्यम से कृषि सेवाओं के प्रदाताओं को इन नियमों विनियमों और SOP का पालन करना होगा। ठीक है दोस्तों, कभी आप ड्रोन का यूज़ करते हैं तो इन सब का आपको पालन करना होगा। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कृषि यंत्र अनुदान वितरण योजना का लाभ लेने के लिए अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी या सहायक निदेशक कृषि विभाग, उपनिदेशक कृषि विभाग तथा जिला परिषद कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इस योजना से रिलेटेड, ड्रोन योजना से रिलेटेड आप जो मैंने बताया, जैसा कि आपको कृषि यंत्र और जिला परिषद कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। ये योजना बहुत बढ़िया योजना है, ये आने वाले कल के लिए बहुत बढ़िया योजना है और आपको 100% जो भी आप एलिजिबल हो उस सब्सिडी पे 70% आपको जो मिल सकता है ऑफ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो रेगुलर वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और धन्यवाद दोस्तों।